हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी विद ईश्वर में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीरभद्र सिंह पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो ये बने थे फ्रेंड्स 1983 में, पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे वीरभद्र सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक 15 विधानसभा क्षेत्र है? तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो कांगड़ा इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके तुलसीराम। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? जब भी संसद की बात आए तो कुल 3 जमा 4, मतलब कि 3 आपकी राज्यसभा के लिए, 4 लोकसभा के लिए, तो 7 सदस्य हिमाचल प्रदेश से संसद के लिए चुने जाते हैं। विदेशी राज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा किस सदन के सदस्य है? तो ये थे आपके राज्यसभा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य है? तो आपके 3 सदस्य चुने जाते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो शीला कौल इज द राइट आंसर। यदि लोकसभा की बात आए तो कितने क्षेत्र है? 4 है। कौन कौन से है? आपका शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो ये आपकी थी राजकुमारी अमृत कौर। 1955 से 63 के बीच हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल कौन थे? तो ये आपके बजरंग बहादुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस परमार सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कब बने? तो ये बने थे फ्रेंड्स 24 मार्च 1952 को। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है फ्रेंड्स पंडित जयवंत राम। 2006 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 2006 की बात पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो आपके वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा सदस्य कौन थी जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? तो ये रही आपकी विद्या स्ट्रोक। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो मेजर जनरल हेमंत सिंह। हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1952 में। 1951 में जब हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ में सी राज्य का राज्य बना तो उसकी विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 36 थी उस टाइम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो ये 1956 में कर दी गई। 1972 में पूर्ण राज्य बनने पर हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा की कितनी सदस्य संख्या थी? तो ये आपकी 68 थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सर्वप्रथम चुनाव कब हुए? तो ये 1951 में हुए थे। 1952 से केंद्र शासित प्रदेश बनने तक हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल थे मेजर जनरल हेमंत सिंह। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल तो ये थे एस चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का भवन कांगड़ा जिले के किस स्थान पर स्थित है? ये आपका सिंधवाड़ी तपोवन धर्मशाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य है तो कितने? 68। हिमाचल प्रदेश की किस विधानसभा सीट में सबसे कम मतदाता है? तो आपके लाहौल स्पीति में। ठीक है फ्रेंड्स, वाइस परमार के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे ठाकुर रामलाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 1963 में गठन किस संवैधानिक संशोधन में हुआ? तो ये आपके 14वें संवैधानिक संशोधन में हुआ। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा कितने मंत्री की व्यवस्था है? तो आपकी 11 है। राज्यों के किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया था? ये किया गया था वाइस परमार की नेतृत्व में। बानस कोट किसका निवास स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का है। प्रथम लोकसभा के लिए सबसे पहला निर्विरोध चुने जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था आपका आनंद चंद। परिसीमन के बाद कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो कांगड़ा में सभी को बताऊंगा 15 जिले हैं, मंडी में आपके 10 है, कुल्लू और हमीरपुर में 4 और 5 है। ठीक है, कुल्लू में 4 है, हमीरपुर में 5 है, और शिमला की बात आए तो शिमला में भी 10 है। अंत्योदय कार्यक्रम किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में चलाया गया? तो ये था आपका शांता कुमार के कार्यकाल में चलाया गया।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्थित है तो आपकी चौड़ा मैदान शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कौन से राज्यपाल वाइस एडमिनर पद से संबंधित रहे हैं? तो ये आर के गांधी जी है। शिमला के कौन सा हिस्सा मंडी लोकसभा में आता है? तो ये आपका रामपुर आता है। चंबा का कौन सा हिस्सा मंडी लोकसभा में आता है? तो ये आपका पांगी और भरमौर आता है। शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने? तो ये मार्च 1990 से लेकर 1992 तक बने। फरवरी 2003 को हिमाचल प्रदेश का कार्यकारी मुख्यमंत्री थे तो प्रेम कुमार धूमल जी। वाइस परमार हिमाचल प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 1963 लेकर 1967 तक। हिमाचल प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल शीला कौल किस घोटाले से जुड़ी थी? तो ये मकानों और दुकानों का आवंटन 1995 से 1996 के बीच। वी एस कोकले किस राज्य के थे? तो ये मध्य प्रदेश के थे। हिमाचल प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल बी एस रामा देवी किस राज्य से थी? तो ये आंध्र प्रदेश की थी। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य थी तो आपकी चंद्रेश कुमारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सुरक्षा पुलिस और शौर्य पुरस्कार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो ये आपको सभी को बताऊंगा फ्रेंड्स, मेजर सोमनाथ शर्मा कमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा किस जिले से संबंधित थे? तो ये कांगड़ा से संबंधित थे। हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? सुजानपुर टेहरा हमीरपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अश्विनी कुमार केंद्र के किस पद पर थे? तो ये आपके सीबीआई के प्रमुख रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये डांड क्षेत्र कांगड़ा से जुड़े किस व्यक्ति को सर्वप्रथम मरणोपरांत परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया था? तो ये था आपका मेजर सोमनाथ शर्मा। अंग्रेजों ने गोरखा सिपाहियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला? तो इन्होंने खोला था सबाटू में, तो एट प्रेजेंट भी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति ने 1998 में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला? तो ये थे आपके वी एन शर्मा। कौन अपने नाम के साथ सैनिक उपाधि का प्रयोग करता है? तो ये करते थे आपके कृष्ण मोहिनी। कांगड़ा पालमपुर के डरोह में है तो क्या है? पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस विजेता हिमाचली है, यह है भंडारी राम बिलासपुर 1939 से 45 तक। दूसरे थे आपके स्वर्गीय जामादार लाल हमीरपुर में 1914 से लेकर 1918 प्रथम तक। आजाद हिंद फौज में किसे शेर ए हिंद कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कहता था हरी सिंह जो सरका गार्ड मंडी से संबंधित है, इन्हें कहा जाता था शेर ए हिंद। शिमला में थल सेना मुख्यालय स्थायी रूप से स्थापित किया गया था? तो ये 1864 में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, शेयर करना ना भूले। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।